दिल्ली वालों को 6.50 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ रहा है और मई जून जुलाई अगस्त में बिजली के बिल आते हैं 4,000, 5,000, 6,000, 8,000। ले लीजिएगा, दिखाइएगा। वो फ्री वाले लेकर आए, वो कौन से फ्री थे? 12 महीने में जनवरी फरवरी माह जब सर्दी ठंड कड़क की पड़ती है, आप बिजली का कम इस्तेमाल करते हैं, वो उस 3 महीने के लिए कराए, बाकी 9 महीने के मैं लेकर आई हूँ। आपने मालूम ऑक्सीजन के बिना दिल्ली में लोगों ने दम तोड़ा है, कौन सा ऑक्सीजन मॉडल था आपके पास? हवाएं जहरीली हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है उन्हें, हवाएं जहरीली हैं। दोष किसान, पंजाब का पराली जला रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया 4% है पराली, बाकी आपका घरेलू प्रदूषण। दिल्ली के जो आपके ठग हैं, उसके महाठग का नाम है अरविंद केजरीवाल, अपनी प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं पंजाब गोवा जैसे राज्यों को, खासतौर से पंजाब को प्रयोगशाला। किस चीज की प्रयोगशाला? बस कुछ प्रतिशत वोट मिल जाए तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, उनका प्रधानमंत्री का सफर पूरा हो जाएगा। इनसे अपनी पार्टी और 20 विधायक नहीं संभले, वो पंजाब संभालेगा जो बॉर्डर से लगा हुआ, जो किसानी का है। इन किसानों को धोखा देने का काम उसी ठग ने किया। दिल्ली विधानसभा में सबसे पहले इस कृषि कानूनों पर मोहर लगाने वाले अरविंद केजरीवाल थे। बिजली के बिल लेकर आए, उन्होंने पोथे दिखाए कि बिजली का बिल दिल्ली में बिजली मुफ्त है। मैं भी लेकर आई हूं बिल। देखिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता तो हुई, लेकिन मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, दिल्ली को बनते हुए और अब बर्बाद होते हुए देख रही हूँ। दिल्ली के जो आपके ठग हैं, उसके महाठग का नाम है अरविंद केजरीवाल, वो मैंने देखा पंजाब घूम रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, अपनी प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं पंजाब गोवा जैसे राज्यों को, खासतौर से पंजाब को प्रयोगशाला। किस चीज़ की प्रयोगशाला? बस कुछ प्रतिशत वोट मिल जाए तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, उनका प्रधानमंत्री का सफर पूरा हो जाएगा। पंजाब ने उन्हें 20 विधायक दिए, 7 छोड़ के चले गए, बड़ा चेहरा था एच एस फुलका जी, गांधी जी छोड़ के चले गए, जिनसे अपनी पार्टी और 20 विधायक नहीं संभले, वो पंजाब संभालेगा जो बॉर्डर से लगा हुआ, जो किसानी का है। इन किसानों को धोखा देने का काम उसी ठग ने किया। दिल्ली विधानसभा में सबसे पहले इस कृषि कानूनों पर मोहर लगाने वाले अरविंद केजरीवाल थे। बिजली के बिल लेकर आए, उन्होंने पोथे दिखाए कि बिजली का बिल दिल्ली में बिजली मुफ्त है। मैं भी लेकर आई हूँ बिल। ले लीजिएगा, दिखाइएगा। वो फ्री वाले लेकर आए, वो कौन से फ्री थे? 12 महीने में जनवरी फरवरी माह जब सर्दी ठंड कड़क की पड़ती है, आप बिजली का कम इस्तेमाल करते हैं, वो उस 3 महीने के लिए कराए, बाकी 9 महीने के मैं लेकर आई हूँ। दिल्ली वालों को 6.50 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ रहा है और मई जून जुलाई अगस्त में बिजली के बिल आते हैं 4,000, 5,000, 6,000, 8,000। बिल देकर जा रही हूँ यहाँ पर, और एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर महीने दिल्ली वाला 2,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा है। हवाएं जहरीली हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है उन्हें, हवाएं जहरीली हैं। दोष किसान, पंजाब का पराली जला रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया 4% है पराली, बाकी आपका घरेलू प्रदूषण है। यमुना का पानी जहरीला है, छठ की पूजा में हमारी बहनें उस जहरीले झाग के पानी में खड़ी थी तो कहा गया हरियाणा दोषी है। ऑक्सीजन के बिना कोरोना में हेल्थ मॉडल, विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक। आपने मालूम है ऑक्सीजन के बिना दिल्ली में लोगों ने दम तोड़ा है, कौन सा ऑक्सीजन मॉडल था आपके पास? ये कहते 1,000 रुपया असी पंजाब दी अपनी दितियां नू दोंगे। इत्थे आओगे तो सत्ता विच दोगे ना, दिल्ली विच मैं चुनौती दे के जा रही हूँ, मैं दिल्ली दी तियां, मैं अपनी बेटियां दे दिल्ली वास्ते कह रही हूँ, तुसी उत्थे कैबिनेट विच आ गए हो। पंजाब दे लोगों नू कहोगी, अगर इन्हां दी गल विच विश्वास करना है कि 1,000 रुपया देंगे तो इन्हां नू कहो केजरीवाल जी दिल्ली जाओ, कैबिनेट की मीटिंग बुला लो, कलम चला दो, फैसला ले लो, 1 जनवरी 2022 तो दिल्ली दी तियां नू बेटियां नू 1,000 रुपया महीना बैंक विच आएगा। अगर उन्हां दा आ गया तो फरवरी जी तुसी वोट दे देना इन्हां नू। केजरीवाल साहब लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब दे विच एक नकली केजरीवाल हो रहा है, जो कि मुख्यमंत्री नू कह रहे हैं एक बहुत सम्मानयोग टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तुसी ये नहीं सोचते यह बयान बड़ा निजी बयान है, बहुत निजी है। उन्होंने तो यह भी लोगों को क्या मैं गंदी गंदी गालियां दीतियां,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਾ ਪਦ ਖਾਲੀ ਹੈ ਫਾਇਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਬਾਈ ਕਿਉਂ 87 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਮਹਾਠੱਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਲੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ TMC ਕਿੱਥੇ BSP ਕਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਟਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏ